बहुत बढ़िया चल रहा है जी। बीजेपी बहुत तेजी से उठ रही है और मैं ये समझता हूँ कि चुनाव जीतेंगे। जैसा पिछले 3 दिन में उफान आया है, बहुत ज़बरदस्त हवा बन रही है, लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को, और ये भी समझते हैं कि एक बाई इलेक्शन है। सरकार से लोगों ने काम लेने होते हैं, सरकार से फायदा है, विकास भी सरकार ही करती है, तो लोगों का मूड बना है और राष्ट्रीय पार्टी है, इस करके रीजनल पार्टी से लोगों का मन भंग होता जा रहा है। तो सर स्टार्टिंग अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो विरोध रहा है किसानों का, लेकिन अब 95% गाँव में किसान, मैं तो कल गया हूँ 10 गांव करें, कहीं कहीं ऐसा इशू था ही नहीं। वो एक अलग है, वो उनकी मांगे मांगते रहे, डेमोक्रेटिक राइट है। चुनाव में चुनाव के हिसाब से लॉयल्टी और जो लोगों की जिस पार्टी से संबंधित होते हैं उसके हिसाब से वोट। तो क्या लगता है सर, फिर इस बार जो किला है वो रहने वाला है? किसान का मुद्दा व्हीकल लेके घूम रहा है ना, पता लग जाएगा चुनाव में। 1000 वोट के लिए भी बहुत तेज़ी से उठ रही है और मैं ये समझता हूँ कि चुनाव जीतेंगे। जैसा पिछले 3 दिन में उफान आया है, बहुत ज़बरदस्त हवा बन रही है, लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को, और ये भी समझते हैं कि एक बाई इलेक्शन है। सरकार से लोगों ने काम लेने होते हैं, सरकार से फायदा है, विकास भी सरकार ही करती है, तो लोगों का मूड बना है और राष्ट्रीय पार्टी है, इस करके रीजनल पार्टी से लोगों का मन भंग होता जा रहा है। तो सर स्टार्टिंग अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो विरोध रहा है किसानों का, लेकिन अब 95% गाँव में किसान, मैं तो कल गया हूँ 10 गांव करें, कहीं कहीं ऐसा इशू था ही नहीं। वो एक अलग है, वो उनकी मांगे मांगते रहे, डेमोक्रेटिक राइट है। चुनाव में चुनाव के हिसाब से लॉयल्टी और जो लोगों की जिस पार्टी से संबंधित होते हैं उसके हिसाब से वोट। तो क्या लगता है सर, फिर इस बार जो किला है वो रहने वाला है? किसान का मुद्दा व्हीकल लेके घूम रहा है ना, पता लग जाएगा चुनाव में। 1000 वोट भी नहीं है।